हेलो फ्रेंड्स, ये एक्सेस का 360 वर्ड व्यू है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे 360 वर्ड व्यू सिक्योरिटी सिस्टम का कनेक्शन कैसे करते हैं, इसमें क्या फंक्शन होते हैं और इसकी कनेक्शन और सेटिंग देखेंगे। तो ये हमारी 360 वर्ड व्यू में कुछ क्या क्या हमें इसमें मिलते हैं। जैसे ये एक एडाप्टर हो गई, एडाप्टर किट हो गई जो पूरी 360 को कंट्रोल करती है। ये एडाप्टर किट हो गई, ठीक है। फिर इसके साथ ये एक इसके लिए कनेक्टर हो गई जो 360 से हम वायर को कनेक्ट करते हैं एंड एंड्रॉयड को भी इसके साथ ही कनेक्ट करते हैं। पावर सप्लाई इसके थ्रू ही हम एडाप्टर किट को देते हैं, ठीक। साथ में ये एक्सटेंशन वायर है, चार एक्सटेंशन वायर होंगी, एक फ्रंट का, एक रियर का, लेफ्ट और राइट का। साथ में ये एक सेंसर है आपका रिमोट के लिए, IR सेंसर जो कंट्रोल करता है रिमोट को। देन उसके साथ हमें चार कैमरे मिले होंगे, ठीक है। ये दो कैमरे और दो कैमरे मिले होंगे, इसमें एक फ्रंट का है, एक बैक का है, ठीक है। और ये दो कैमरे हो गए हमारे बोथ साइड, लेफ्ट एंड राइट का, ठीक है। तो ये हमें 360 वर्ड व्यू के जो बॉक्स है उसके साथ हमें ये प्रोडक्ट इसमें से मिलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम इसकी कनेक्शन कैसे करते हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिए प्रॉपर इसके साथ, और सॉरी इसके साथ एक और एक हमें रिमोट भी मिलती है, ठीक है। जो हम रिमोट से ऑपरेट करते हैं तो इसके लिए हमें एक साथ में एक रिमोट मिलती है, ठीक। सबसे पहले ये हमारी जो कपलर है जो हम एडाप्टर किट से कनेक्ट करते हैं, इसको इससे कनेक्ट कर लेंगे एडाप्टर से, ठीक है। ये देखिए कपलर टू कपलर कनेक्ट करनी होती है, कोई ज़्यादा कोई हार्ड है नहीं इसमें, देख लीजिए, ठीक है। तो उसके बाद ये देखिए ये चार कलर हैं, ब्लैक, ब्लू, येलो एंड रेड, ये चार कलर हैं। चारों में हम एक्सटेंशन वायर और साथ साथ में कैमरे कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट कैसे करते हैं इसमें देखिए, एक आपको एरो टू एरो कनेक्ट करनी है, इसमें एरो दी हुई है। और जो हम एक्सटेंशन वायर कनेक्ट करेंगे इसमें भी एरो दी होती है, आप एक बार देख लो इसमें एरो दी होगी, ठीक है। अब इसमें देखिए ये जो हमारे एक्सटेंशन वायर है इसमें भी एरो दी होती है, और दोनों साइड इसको एरो टू एरो कनेक्ट कर लेंगे। देख लीजिए इस साइड एरो दिख रही है, ये आपको दिख रही होगी, ये एरो है, इसमें भी इस साइड एरो है, देख रही है एरो दिख रही है। तो इसके साथ हम इसको कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है, बिल्कुल टाइटली कनेक्ट करेंगे। याद रखें ये एरो टू एरो मैच होनी चाहिए और बिल्कुल टाइटली कनेक्ट कर लेंगे इसको, ठीक है। एक्सटेंशन वायर की कनेक्ट हो गई येलो कलर की, ठीक है। देन अब एक्सटेंशन वायर के साथ हम कैमरे को कनेक्ट करेंगे, जो येलो कलर की कैमरे होगी उसको हम कनेक्ट करेंगे। इसमें किस साइड की है ये आपको लिखी होगी, ये देखिए ये बैक है, रियर की है, ठीक है, रियर कैमरा है ये। देन उसके साथ बाद हम ये फ्रंट का करेंगे, ये ब्लैक कलर की, ठीक। इसके साथ हम ये एरो टू एरो इसको कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब इसके साथ हम एक्सटेंशन वायर हो गई कनेक्ट, अब इसको हम कैमरे कनेक्ट करेंगे इसमें, ये देखिए कैमरा, इसको हम कनेक्ट कर लेंगे। ये दो कैमरे हो गए फ्रंट और रियर। अब इसके बाद हम ये देखिए रेड कलर को कनेक्ट करेंगे। तो ऐसे ही हम चारों कलर, मतलब जो कलर चारों कलर दी हुई है हमारी, ब्लैक, ब्लू, रेड एंड येलो, चारों कलर को हम कलर टू कलर, उसमें भी जो हमारी एरो दी हुई है एरो टू एरो कनेक्ट करेंगे, ठीक है। ये देखिए एरो टू एरो कनेक्ट कर लिया हमने येलो, सॉरी रेड को। देन उसके बाद जो ब्लू कलर है ब्लू कलर को भी कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये ब्लू कलर कनेक्ट कर लेंगे हम,
ये चारों कैमरे अब कनेक्ट हो गए और एक्सटेंशन वायर भी कनेक्ट कर दिया। बिल्कुल टाइटली कनेक्ट करनी है और जो इसमें एरो टू एरो दिया है बिल्कुल देख के कनेक्ट करनी है। चारों कलर पे साइड का नाम लिखा है, राइट कौन सी है, लेफ्ट कौन सी है, रियर कौन सी है, फ्रंट कौन सी है, ठीक है। इस तरीके से चारों हम कनेक्ट कर लेंगे। देन उसके बाद ये जो हमारी जिससे रिमोट हमारा कंट्रोल होता है, आईआर सेंसर जो होती है, इसको कनेक्ट कर लेंगे हम। ये देखिए ब्लैक कलर की है, इसको कनेक्ट कर लेंगे। देन उसके बाद ये तीन एक्सटेंशन वायर पर हमें रेड कलर की पतली सी वायर दी हुई है, जैसे कि आप अभी देख सकते हैं इसमें तीन कलर में वायर दी हुई है। केवल आपकी जो ब्लैक कलर है इसमें वायर नहीं दी होगी। तो इसमें आपको जैसे कि हमारी जो रियर कैमरा है, रियर कैमरे में हम बैक टेल लाइट से कनेक्ट करेंगे रेड वायर को पतली सी जो दी हुई है। देन आपकी जो लेफ्ट साइड दी हुई थी, लेफ्ट साइड के इंडिकेटर के साथ हम इसको कनेक्ट करेंगे। देन राइट साइड दी होगी तो राइट साइड के इंडिकेटर के साथ हम इसको कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। जैसे हम राइट साइड इंडिकेटर जलाएंगे हमारी लेफ्ट साइड ऑन, राइट साइड ऑन हो जाएगी। लेफ्ट साइड जलाएंगे तो लेफ्ट साइड ऑन हो जाएगी, ठीक है। अगर बैक हम लगाएंगे रिवर्स, तो जैसे हम बैक टेल लाइट्स हम इसको ऐड करेंगे तो बैक हमारी ऑन हो जाएगी, ठीक है। ओनली फ्रंट में नहीं दिया होगा, बाकी तीन आपको दी हुई हैगी, बैक, रेड एंड लेफ्ट, ठीक है। देन उसके बाद ये हमें चार कलर की और पतली सी वायर दी हुई है, जिसमें ये देखिए ये हमारी येलो कलर की है, ये 12 वोल्ट की है, तो इसमें हम बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, येलो कलर। देन ये ACC है, इसको हम इग्निशन से कनेक्ट करेंगे रेड कलर की। देन ये 12 वोल्ट ये हमारी ग्राउंड है। देन ये हमारी रिवर्स की वायर है, ठीक है। तो ये चार वायर हमें दी हुई है, एक हमारी येलो जिसको हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे 12 वोल्ट, देन रेड ये हमारी ACC है, देन ब्लैक ये ग्राउंड वायर है, उसके बाद वाइट है वो रिवर्स है, ठीक है। इसको हम रिवर्स से कनेक्ट कर देंगे, ठीक। तो इस तरीके हो गई, अब ये हमारी पूरी टोटल वायरिंग हो गई। उसमें साथ में एक और हमारी ये कपलर येलो कलर की दी हुई है, इसको हम जो हमारी RC वायर थी जिसमें हम कैमरा कनेक्ट करते हैं उसके साथ हम ये इसको कनेक्ट करते हैं। जैसे ये देखिए जो एंड्रॉयड में पीछे कपलर में हम लगाते हैं, इसको छोटी सी एक RC वायर हमारी दी हुई थी जो एंड्रॉयड के साथ आती है, उसमें हम इसको कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। ये हमारी देख लीजिए, ये इसमें हम कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये टोटल हमारी कनेक्शन हो गई है। इसको प्रॉपर कनेक्ट करके हम इसको टाइटली कनेक्ट करेंगे और टेपिंग कर देंगे, ठीक है। देन ये देख लीजिए टोटल हमारी अब कनेक्शन हो गई है। अब हम एक बार रिवर्स लगाते हैं और उसके बाद देखते हैं हमारी ये जो चारों कनेक्शन हमने की हुई है 360 का, ये फंक्शनल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। ये देखिए ये बाइक वाली जो रिवर्स है, इसमें हम अभी 12 वोल्ट की सप्लाई के साथ कनेक्ट करेंगे, उसके बाद हमारी ये व्यू आएंगे। अब देख लीजिए बिल्कुल ये चारों कैमरे की व्यू हमारी इस साइड जो हमारी ये कार की जो हमें इसमें साइन आ रही है, ये हमारे जो चारों कैमरे हैं, चारों कैमरे के व्यू आ रही है, राइट, लेफ्ट, फ्रंट और बैक, और इसमें हमारी राइट की आ रही है, ठीक है। देखिए शायद फ्रंट की आ रही है, ये बिल्कुल जो बड़ी स्क्रीन पर आ रही है, ठीक है। अब इसको हम 1-to-1 रिमोट से अलग अलग व्यू इसकी देखेंगे हम। ये देखिए ये हमारी बैक की व्यू आ रही है, सॉरी ये थोड़ी कनेक्शन लूज थी, अब मैंने कनेक्शन टाइट कर दी। अब ये देखिए हमारी ये लेफ्ट, ये राइट, राइट की भी थोड़ी कनेक्शन लूज है, अब मैं इसको टाइट कर लूँगा। अभी मैं टाइट कर देखिए अभी बिल्कुल प्रॉपर टाइट मैंने कनेक्ट कर दिया। अब फिर से हम एक बार रिवर्स लगा के देखते हैं। ये देखिए अब बिल्कुल राइट साइड की हमारी प्रॉपर व्यू आ रही है, जिसमें हमें हमारी राइट साइड में व्यू प्रॉपर नहीं आ रही थी, ठीक है, राइट साइड हो गई। ये देखिए बिल्कुल ये राइट देन लेफ्ट, ये देख लीजिए नीचे ये हमारी जो रिमोट्स हम इसको ऑपरेट कर रहे हैं, यहाँ पर देख लीजिए बिल्कुल ये छोटी सी जो कार की साइन है, यहाँ पे ये रेड कलर की एरो हमें शो कर रही है कि हमारा जो साइड है ये फंक्शनल हो रहा है, ठीक है। जो बड़ी स्क्रीन पर आ रही है, जिस साइड की स्क्रीन पर आ रही है उस साइड हमारे रेड कलर का ये एक साइन आ रही है, ठीक है। ये देख लीजिए बिल्कुल ये एक राइट हो गई, लेफ्ट हो जाएगी, और देन आपको जो जिस साइड को ओपन करना उस साइड आप रिमोट से ऑपरेट कर सकते हो। देखिए फ्रंट है, ठीक है, देन ये बैक, ठीक है, बैक का भी देखिए बिल्कुल फंक्शनल हो गया अभी। तो ये दोनों हमारे चारों कैमरे फंक्शनल हो गए हैं।
वन टू वन मैंने आपको बड़ी स्क्रीन पर आपको ऑपरेट करके दिखा दिया। एक बार में एक ही कोई हमारी साइट ओपन होगी बड़ी स्क्रीन पर, ठीक है। तो ये देखिए एक साइड हमें चारों व्यू आ रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट राइट फ्रंट और बैक, और एक जो बड़ी स्क्रीन पर आ रही है हमारी वन टू वन। अब जो हमें साइड ओपन करनी है बड़ी स्क्रीन में, आप उसको रिमोट से ऑपरेट कर सकते हैं सर, ठीक है। तो ये रही हमारी चारों व्यू। देन अब देखते हैं कुछ जो सेटिंग्स में क्या क्या सेटिंग्स होती है वो देख लेते हैं। ये देखिए हमने रिमोट सामने करके रख दी, हमने रिमोट से आपको यहाँ पर बताऊँगा सारी चीज़ें। जैसे हमने मेनू बटन दबाया, ठीक है, ये हमारे कुछ स्क्रीन पे ये सेटिंग ओपन हो रहे हैं। इसमें रिकॉर्ड कंट्रोल सिस्टम पुनर्म एंड डिस्प्ले, ये अलग अलग ये हैं। जैसे रिकॉर्ड है, अगर हमें इसमें कोई रिकॉर्डिंग किए होंगे, जैसे इसमें ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग सिस्टम भी है, तो अगर रिकॉर्डिंग करेंगे तो देखिए, जैसे ये इसमें हमें USB कनेक्टर दिया होता है, हमें इसमें USB कनेक्ट कर लेंगे पेन ड्राइव को, ठीक है, पेन ड्राइव को इसमें कनेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक रिकॉर्ड करेगा, जो मैं अभी दिखाऊंगा इसको, ठीक है। और इसको आप प्ले भी कर सकते हो ऑटोमेटिक, ये रिकॉर्ड करेगा, इसमें कोई सेटिंग नहीं है। जैसे आप इसमें पेन ड्राइव इनेबल करोगे, इजेक्ट करोगे, ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग आएगी इसमें, ठीक है। अब मैं इसको दिखा रहा हूँ आपको रिकॉर्डिंग कुछ इसमें ऑपरेट करके, ठीक है। ये देखिए अभी मैंने पेन ड्राइव में मैंने USB कनेक्ट कर लिया, ऑटोमेटिक हमने कोई सेटिंग इसमें नहीं की एक्स्ट्रा, केवल कनेक्ट किया है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग आ रही होगी, ठीक है। अब मैं मेनू बटन देखिए, मेनू बटन इसको क्लिक कीजिएगा, देन रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे हम, और रिकॉर्ड ये देखिए हमें दो रिकॉर्डिंग, इसमें तीन रिकॉर्डिंग शो हो रही है, ठीक है। अगर आप उसको प्ले करना चाहें तो ये जो हमारी राइट साइड में ऑप्शन आ रहा है, इसमें आप वो प्ले करके इसको प्ले भी कर सकते हो। अगर डिलीट करना चाहो तो डिलीट कर सकते हो, इसको लॉक करना चाहो तो उस पर लॉक का ऑप्शन दे रहे हैं तो लॉक भी कर सकते हो सर। देखो जिसे हमने रिकॉर्डिंग की, मैंने प्ले किया अभी कुछ सेकंड की रिकॉर्डिंग की थी, तुरंत प्ले हो गई। अब मैं नेक्स्ट को प्ले कर रहा हूँ, इसमें जैसे कि आप रिकॉर्डिंग करोगे तो इसमें फॉरवर्ड का भी ऑप्शन देखिए नीचे हमारे फॉरवर्ड जो भी है, आप फॉरवर्ड भी कर सकते हो, बैक भी कर सकते हो, सारे ऑप्शन दिए हैं। अगर फॉर्मेट करना हो तो फॉर्मेट भी कर सकते हो। देखो ये रिकॉर्डिंग हमारी चारों व्यू की हुई थी, हमने चारों व्यू ओपन करके दिखाई थी, ये रिकॉर्डिंग कुछ सेकेंड की हुई थी, ठीक है। तो ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग सिस्टम भी दिया हुआ है इसमें, ठीक है। देन और कुछ सेटिंग देख लेते हैं, इसमें बैक करेंगे हम इसको, देन इसमें फिर ये कंट्रोल है, डिस्प्ले है, डिस्प्ले को ओके करते हैं। डिस्प्ले पे कुछ सेटिंग करनी हो तो उसका भी इसमें बहुत सारे इसमें हमारे दिया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हो, ठीक है। देन सिस्टम रिटर्न का है तो रिटर्न भी कर सकते हैं। तो ए टू जेड हमारे इसमें देखिए, ये पिक्सल सेटिंग करना हो तो इसमें जाके हम ये कंट्रोल है, इसमें अगर आप कलर चेंज करना हो कर सकते हो, ठीक है। ये सिस्टम है, ये अब अपग्रेड करने के लिए, रिस्टार्ट के लिए, ठीक है। देन बैक करना तो रिमोट से बैक ऑप्शन दिया, वहाँ से भी कर सकते हैं। इसमें कुछ ये सेटिंग दिया हुआ है, इसको हम अपना सेटिंग कर सकते हैं। देखिए इसमें जब हम इसको कैलिब्रेशन करते हैं तो कैलिब्रेशन करने के लिए भी सेटिंग दी हुई है, वन टू वन कैलिब्रेट करना पड़ता है, उसके लिए दिया हुआ है, ठीक है। ये देखिए कुछ ठीक है, तो देखिए अलग अलग कैमरे का हमें इसमें कैलिब्रेशन करने के लिए ऑप्शन भी दिया हुआ है, जब कैलिब्रेट करते हैं उस टाइम, उसके लिए इसमें सेटिंग दी हुई है, ठीक है। अब इसको बैक करते हैं। तो आपने देखा ये कैसे हम 360 वर्ल्ड व्यू का कनेक्शन करते हैं, और इसमें मैंने आपको कुछ सेटिंग्स भी दिखाई, ठीक है। ये देखिए फिर ये दूसरी साइड, ये चारों साइड हमारे ओपन होंगे एक साथ में, ठीक है। जो ऑटोमेटिक कैलिब्रेशन होती है उसके लिए है, मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों होती है, ठीक है। ऑटो और मैनुअल अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है। देन ये रहा 360 वर्ल्ड व्यू का टोटल कनेक्शन। तो इस तरीके वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।